वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस ड्रॉ अ डायग्राम ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इमेज कैलकुलेट फोकल लेंथ of the lens and magnification produced क्लियर है यहाँ पे? देखो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जो 50 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा गया फ्रॉम अ लेंस, एक लेंस से, और प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज। ये जो ऑब्जेक्ट है 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो रखा गया है, ये कैसा इमेज प्रोड्यूस करता है? तो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है, यानी वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये हमारा वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। और ये 10 सेंटीमीटर जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी लेंस के फ्रंट फ्रंट में हमारा होता है। क्लियर है यहाँ पे? ये ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है, जो कि ये डायग्राम आप लोग खुद करोगे, सेल्फ करोगे आप लोग। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो हमें फोकल लेंथ बताना है कि इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, और साथ ही साथ हम लोग को मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बताना है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए मैं फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन बता देता हूँ, और ये डायग्राम जो है आप लोगों को खुद सॉल्व करने हैं, खुद प्रैक्टिस करने हैं, डायग्राम बनाना है यहाँ पे। क्लियर है? देखो तो ये जो होगा हम लोग का कि एक ऑब्जेक्ट है 50 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा गया, तो पिछले क्लास में भी मैंने आप लोगों को डिस्कस बताया था कि ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और इन फ्रंट ऑफ लेंसेज रखते हैं। तो जब भी लेफ्ट हैंड पार्ट में रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो टेकन एज नेगेटिव, तो उस केस में हमारा यू जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि जो भी डिस्टेंसेज हम लोग मेजर करते हैं वो कहाँ से करते थे, ऑप्टिकल सेंटर से करते थे हम लोग यहाँ पे। तो देखो यू जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताता है, तो यू जो हो गया आपका ये कितना हो गया, -50 सेंटीमीटर हो गया। अब ये देखो इमेज जो एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इमेज जो फॉर्म कर रहा है वो 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी लेंस के फ्रंट में हमारा 10 सेंटीमीटर के दूरी पे ये इमेज फॉर्म कर रहा, फ्रंट ऑफ कर रहा, यानी ये भी हमारा क्या है, लेफ्ट साइड में ही हमारा। तो वी वी क्या होगा हमारा यहाँ पे, नेगेटिव होगा, यानी वी जो -10 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है यहाँ पे? ये अब हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, तो फोकल लेंथ हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, और हम लोग जानते हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, अब देखो लेंस फॉर्मूला क्या है, तो 1/v -1/u =1/f। लेंस के केस में हमारा यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, ये ध्यान रखना, लेकिन हमारा मिरर के केस में क्या होता है, प्लस हो जाता है। हम लोग यहाँ पे लेंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, और रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग लेंस में देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज क्वेश्चन में हमेशा ध्यान में रखना है कि कहीं लेंस की जगह पे मिरर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर देना, और मिरर के जगह पे लेंस का, और क्वेश्चन में प्रॉपर वे में मेंशन होगा। देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे लेंस की बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये किस चीज की बात कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ना, लेंस का बात कर रहा है हम लोग को यहाँ पे, ये यह। तो
तो ऑलवेज ये सब चीज का पॉइंट का ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो वी के जगह पे माइनस क्या हो गया हम लोग का, 1 माइनस 10, और यू के जगह पे ये -50 हो गया, जो कि 1 अपॉन क्या हो गया यहाँ पे, एफ हो गया। अब देखो -1/10 लिख सकते हैं ना हम लोग ऐसे, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यानी 1 अपॉन क्या हो गया 50 इक्वल टू ये एफ हो गया। ठीक है, अब चलो इस चीज को सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो 10 और 50 का जब एलसीएम लोगे आप तो कितना आने वाला है, 10 और 50 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा हमारा, 50 ही तो आने वाला है ना हम लोग का। तो ये क्या होगा हम लोग का -5, और ये प्लस क्या होगा हम लोग का 1 आ जाएगा ना हम लोग का, -5 और प्लस क्या हो गया 1, 1 अपॉन f इक्वल टू -4 अपॉन क्या आ गया हम लोग का 50 आ गया। अब देखो ये कितने टाइम में गया, 2 टाइम में, और ये कितने टाइम में गया हमारा, 25 टाइम में गया, गया ना हम लोग का। तो फाइनली जो आया -2 अपॉन कितना आया हम लोग का, 25 आया। तो ये रेसिप्रोकल है ना, 1 अपॉन f जो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है, पर एक्चुअल में हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो इधर इन्वर्स करोगे तो इधर भी क्या होगा हमारा, इन्वर्स होगा, हो गया ना हमारा इन्वर्स। अब इस चीज को कैंसिल आउट करोगे तो ये कितने टाइम में जाएगा हमारा यहाँ पे, तो ये 12.5 यानी -12.5। तो फोकल लेंथ जो आ गया हम लोग का कितना आ गया, -12.5 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया हम लोग का फोकल लेंथ, -12.5 सेंटीमीटर हम लोग का ये फोकल लेंथ आ गया। अब ये बोल रहा है मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट कर रहे हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होगा हमारा। तो देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वी अपॉन क्या होता है, यू होता है, क्या होता है हमारा, वी अपॉन यू है ना, इमेज डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के केस में हम लोग का वी अपॉन यू होता है। अब यहाँ पे आप लोग माइनस मत लगा देना, क्योंकि एम इक्वल टू -V/U जो होता है ये हमारा नेगेटिव होता है, मिरर के केस में होता है, और हमारा लेंस के केस में हमारा सिर्फ पॉजिटिव चल रहा होता है। तो एम इक्वल टू वी की वैल्यू पुट करो, तो हमारा इमेज डिस्टेंस कितना था हमारे यहाँ पे, ये तो देखो इमेज डिस्टेंस कितना था हम लोग का, 10, यानी -10 हो गया। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया हम लोग का, तो ये माइनस कितना हो गया हम लोग का, 50 हो गया। देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, और 1 0 1 0 कैंसिल, तो 1 अपॉन कितना आ गया हम लोग का, 5 आ गया, आ गया ना। अब जब आप डिवाइड करोगे तो ये m की वैल्यू कितना आने वाला है हम लोग का यहाँ पे, ये देखो कितना आने वाला है, तो +0.2 आने वाला है। कितना आने वाला हम लोग का, +0.2 आने वाला है, क्लियर है ना। तो देख लो ये पॉजिटिव साइन ये बता रहा है मैग्निफिकेशन से, हम लोग डिस्कस किए थे ना कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो ये क्या बताता है हमारे यहाँ पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट बताता है, बताता है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मैग्निफिकेशन के हिसाब से ही तो हम लोग नेचर फाइंड आउट करते हैं इमेज का। तो देखो ये हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और यहाँ पे एम की वैल्यू जो आ रहा है ये मैग्नीट्यूड वैल्यू जो 0.2, ये 0.2 क्या है हमारा, 1 से लेस है ना हमारा। तो 1 से जब लेस होता है तो इसका मतलब कि हाइट ऑफ इमेज जो होता है, हाइट ऑफ इमेज जो होता है वो लेस देन क्या होता है हमारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से होता है। मीन्स कि इस केस में हमारा इमेज का हाइट जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा हमारा, लेस, मतलब इस केस में लेस देन होगा हमारा यहाँ पे। तो देख रहो मैग्निफिकेशन से हमारा ये सब हमारा डेटा बता रहा होता है और इससे हम लोग को पता चल रहा होता है। तो आप लोगों को मैंने बताया भी था कि मैग्निफिकेशन जब भी किसी क्वेश्चंस में अगर नेचर पूछ रहा है तो आप मैग्निफिकेशन निकाल कर बताओगे काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, वैसे इमेज डिस्टेंस के आधार पर नहीं बता दोगे कि हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट या रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मैग्निफिकेशन एक बेटर हमारा क्वांटिटी होगा जिससे हम लोग बता सकते हैं नेचर यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। तो देखो ये था हमारा क्वेश्चन हमारा, और ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और इस केस में हमारा जो इमेज फॉर्मेशन करना है यानी इमेज जो ड्रॉ करना है ये घर पे आप लोग खुद ट्राई करोगे यहाँ पे, क्लियर। अब देखो इस बेस पे मैं एक आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, जो कि आप लोग घर से घर पे खुद ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, उसको डिस्कस कर दिया जाएगा। देखो ये जो हम क्वेश्चन है ये आप लोग को ट्राई करने के लिए दे रहे हैं, प्रैक्टिस करोगे घर पे, और भी जो बुक रखे हो आप उससे भी सॉल्व करना। अ कॉनकेव लेंस
हैज अ फोकल लेंथ ट्वेंटी सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज क्लियर यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन जो कि आप लोगों को घर के लिए रहा और ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना है यहाँ पे क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का यहाँ पे पावर ऑफ लेंस है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है ये पावर ऑफ लेंस हम लोग का अब पावर ऑफ लेंस पढ़ना है। चलो पावर ऑफ लेंस को पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग समझें और हम लोग पढ़े भी हैं कि एक कन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोई भी एक कन्वेक्स लेंस पे कोई भी लाइट रेज जब फॉल करता है तो ये आफ्टर रिफ्रेक्शन इट कन्वर्जेज एट कॉमन पॉइंट, मतलब एक कॉमन पॉइंट पे क्या करता है, कन्वर्जेज करता है। और एक कॉनकेव लेंस जो होता है वो एक कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, जो कि डिस्कस किए हुए हैं। और एक कॉनकेव लेंस पे कोई भी लाइट रेज जब फॉल करता है इस पे तो ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्रेक्शन है ना, आफ्टर रिफ्रेक्शन उस लाइट रेज को क्या करता है, ये डाइवर्ज करने का काम करता है, मतलब कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर देता है। और उसके जो इमेजिनरी लाइन है, जो इमेजिन करते हैं कि अगर ये ऐसा आता तो ये हमारे फोकस पे मीट करता हमारे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कोई भी लाइट रे जब पैरेलल होता है तो आफ्टर रिफ्रेक्शन वो क्या होता है, फोकस से होकर पास करता है। बट कॉनकेव लेंस के केस में हमारा क्या होता है कि एक्चुअल में हमारा रिफ्रेक्टेड रेज जो होता है वो फोकस से होकर पास नहीं करता है, उसके इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या करते हैं, फोकस पे मीट कराते हैं। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम कॉनकेव लेंस के अदर साइड से जब हम देख रहे होते हैं, यानी राइट हैंड पार्ट से जब देख रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट हैंड पार्ट में होता है, तो राइट हैंड पार्ट से जब देख रहे होते हैं तो इमेजिन ऐसे होता है कि जैसे वो फोकस से ही आ रहा है हमारा, वो रेज आ रहा है, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए हम लोग उस रेज को क्या करते हैं, हम लोग मीट कराते हैं, हम लोग फोकस तक मीट कराते हैं। ये क्लियर है, ये कॉनकेव लेंस के केस में। लेकिन कॉन्वेक्स में तो वो आफ्टर रिफ्रेक्शन वो क्या होता है, फोकस से होकर ही पास करता है। इसीलिए हम लोग वहां पे डिस्कस किए थे कि एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकस जो होता है, यानी फोकल लेंथ बोल लो, वो पॉजिटिव होता है, और एक कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ या फोकस भी बोल सकते हो वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। यहाँ क्लियर है यहाँ पे। अब यही चीज हमारा पावर ऑफ लेंस क्या काम करता है यहाँ पे, तो पावर ऑफ लेंस का काम ये कि ये जस्ट मेजर द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो ये हमारा पावर ऑफ लेंस का काम ये होता है कि कितना अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस हुआ है और कितना अमाउंट ऑफ डाइवर्जेंस हुआ है, या कितना डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड कितना डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस कोई भी लाइट रेज जब किसी लेंस पे फॉल करता है तो उस चीज को मेजर करने का काम करता है। और इस चीज को मेजर करने का काम कौन करता है, तो ये पावर ऑफ लेंस करता है हमारा यहाँ पे। ये क्लियर है ना यहाँ पे। तो पावर ऑफ लेंस ही हमारा कितना डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड कितना डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस होता है जब कोई भी लाइट रेज किसी लेंस पे फॉल करता है, तो इस चीज को ये मेजर करता है हमारे यहाँ पे। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये, चलिए तो लिखते हैं हम लोग यहां पे ये पॉइंट
द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ द इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। क्लियर हो गया यहां पे? ये हमारा पावर ऑफ लेंस हमारा यहां पे है। ये क्लियर हो गया कि पावर ऑफ लेंस का हमारा काम क्या है। अब देखो पावर ऑफ लेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इसके फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी जिस लेंस पे हमारा फॉल करता है, अगर कॉनकेव पे या कॉन्वेक्स पे, उन दोनों के फोकल लेंथ पे हमारा डिपेंड करता है पावर ऑफ लेंस। ठीक, तो उस आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं पावर ऑफ लेंस को हम लोग यहां पे। ये लिख सकते हैं द पावर ऑफ अ लेंस द पावर ऑफ अ लेंस is defined as the is defined as the reciprocal reciprocal of its focal length इन मीटर्स। तो पावर ऑफ लेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, यानी किसी भी लेंस के रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। और ये फोकल लेंथ जो होना चाहिए वो किस चीज़ में होना चाहिए, हमारा मीटर्स में होना चाहिए, यानी हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। अगर ये सेंटीमीटर में है तो इस चीज़ को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और इस चीज़ को आप लोग कन्वर्ट करना आप लोग को पता ही है हम लोग का यहाँ पे, ये कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 1 मीटर जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हो कि 1 मीटर जो होता है वो हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इस चीज़ को आप लोग कन्वर्ट कर लोगे। क्लियर है यहाँ पे? देखो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा पावर ऑफ लेंस का, जब रेसिप्रोकल है हमारा यहाँ पे, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये P इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो गया, F हो गया, हो गया ना, P इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन F। अगर हम लोग को F की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, P। क्लियर है यहाँ पे? ये यहाँ आ जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे पावर ऑफ लेंस का। और ये फोकल लेंथ जो लेंगे हम लोग किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया M। ठीक है, तो ये हम लोग मीटर में लेंगे। P जो बता रहा है पावर ऑफ लेंस एंड F जो बता रहा है हमारे पे फोकल लेंथ बता रहे हैं यहाँ पे। क्लियर, यानी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो लिख सकते हो यहाँ पे ये फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बता रहा है, ये हमारा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हमारा F बता रहा है स्मॉल F, और P जो बताता है हमारे ये पावर ऑफ लेंस के बारे में बताता है। अब देखो इस फॉर्मूले से देख रहे हो ना, ये जो फॉर्मूला हमारा P इक्वल टू 1 अपॉन F है ना, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पावर ऑफ लेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्या है, फोकल लेंथ है। देख रहे हो ना, इन्वर्स का रिलेशन चल रहा है हमारा, यानी फोकल लेंथ हमारा बढ़ेगा इंक्रीज करेगा तो पावर ऑफ लेंस क्या करेगा हमारा, डिक्रीज करेगा। अगर हमारा फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा, यानी फोकल लेंथ की वैल्यू डिक्रीज करेगा, तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा। तो इन्वर्स के केस में तो हमारा यही रिलेशन चलता है हम लोग का यहाँ पे, ये क्लियर है ना हम लोग का। चलो तो ये इन्वर्स का रिलेशन हमारा, तो इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, द पावर ऑफ अ लेंस
इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ, टू इट्स फोकल लेंथ। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, अ लेंस ऑफ अ लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, अ लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ इज मोर पावर। देखो तो लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ यानी जिस लेंस के पास हमारा शॉर्ट फोकल लेंथ है ना, जिस लेंस के पास हमारा शॉर्ट फोकल लेंथ होगा उसके पास पावर क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा। तो देख लो ना, यहाँ पे हमारा फोकल लेंथ शॉर्ट है यानी कम है, तो पावर ऑफ लेंस क्या हमारे यहाँ पे ग्रेटर है। यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पे इस केस में तो देखो, इस केस को आप लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू, कि फोकल लेंथ हमारा लेस है, ठीक है, तो ये पावर ऑफ लेंस क्या हमारे यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे क्लियर है? तो इस चीज को ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट, अ लेंस ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ, अ लेंस ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ हैज शॉर्ट या बोल सकते हो हैज लेस पावर, हैज लेस पावर। तो देख लो ना, जस्ट इनवर्स जा रहा है। तो जिस लेंस का फोकल लेंथ हमारा लॉन्ग है यानी ज्यादा है, उस लेंस का पावर जो होगा ना ये कम होगा, लेस होगा यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे तो देखो, इस केस में हमारा फोकल लेंथ अगर हम लोग का क्या ही है, ग्रेटर है, तो इस केस में हमारा पावर ऑफ लेंस क्या होगा हमारे यहाँ पे, ये कम होगा यानी नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे ये आ गया समझ में? यहाँ पे ये पॉइंट हम लोग को, देखो पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है हमारे यहाँ पे, द यूनिट ऑफ द पावर, द यूनिट ऑफ द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। क्या होता है हमारे यहाँ पे, ये डायोप्टर होता है हमारे यहाँ। तो पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट जो होता है वो हमारा डायोप्टर होता है, यानी हम लोग डायोप्टर में ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और डायोप्टर का जो सिंबल है यानी ये हम लोग कैपिटल डी से डिनोट कर रहे होते हैं। किससे डिनोट कर रहे होते हैं हम लोग यहाँ पे, कैपिटल डी से डिनोट कर रहे होते हैं, ये ध्यान में रखना यहाँ पे। क्लियर? तो हम लोग वन डायोप्टर भी पूछा जा सकता है, कि डिफाइन वन डायोप्टर यानी वन डायोप्टर क्या होगा, है ना? तो इस चीज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वन डायोप्टर, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस, इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ, हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। देखो वन डायोप्टर हम लोग कब डिफाइन करेंगे किसी भी पावर ऑफ लेंस का, जब उस फोकल लेंथ का हमारा 1 मीटर होगा। किसी भी लेंस का फोकल लेंथ अगर हमारा 1 मीटर होगा तो उस केस में बोलेंगे कि इस लेंस का डायोप्टर जो है वो 1 मीटर है, सॉरी 1 डायोप्टर है, नॉट मीटर, यानी 1 डायोप्टर है यहाँ पे। तो 1 डायोप्टर हम लोग कब बोलेंगे, जब हमारा 1 मीटर के बराबर होगा। आगे समझ में यहाँ पे, ये था हम लोग का डायोप्टर था। और डायोप्टर हम लोग देखो, डायोप्टर इस चीज को पावर ऑफ लेंस को मेजर करने के लिए ना डायरेक्टली हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते हैं, है ना? यानी किसी भी लेंस का पावर को मेजर करने के लिए एक ऑप्टिशियन के द्वारा डायरेक्टली एक इंस्ट्रूमेंट भी मेजर किया जाता है। और उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे ये उस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है हम लोग का यहाँ पे ये बोल सकते हो, यहाँ पे ये
और डायोप्टर मीटर बोलते हैं हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट को, क्या बोलते हैं हम लोग, डायोप्टर मीटर बोलते हैं यहाँ पे। यानी डायोप्टर मीटर इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच बाई विच इट इज मेजर्ड, जिसके द्वारा ये क्या होता है हमारे यहाँ पे, ये मेजर्ड होता है यहाँ पे ये। तो ये क्लियर है हम लोग का, चलो। और ये मेजर किया जाता है इन ऑर्डर टू करेक्ट द लेंसेज, यानी स्पेक्टिकल्स करेक्ट करने के लिए, या स्पेक्टिकल्स जब हम लोग आईज चेक कराने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, तो ऑप्टिशियन क्या करता है हमारा उस चीज को वो करेक्ट करने का पावर चेक करता है कि हमारे कितने पावर ऑफ लेंस की जरूरत है एक पर्सन को, ताकि उसका व्यूज जो हो वो क्लियरली हो और क्लियरली किसी भी चीज को वो देख सके यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे ये, चलो। और हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसके पावर ऑफ लेंस भी क्या होंगे हमारे यहाँ पे, पॉजिटिव ही होंगे यहाँ पे। क्लियर, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस एज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ। क्या होता है हमारे यहाँ पे, ये पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है, तो इसलिए द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस भी क्या होगा हमारे यहाँ पे, पॉजिटिव होगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे ये, देखो। अब हम लोग जानते हैं कि एक कॉनकेव लेंस के पास क्या होता है हमारे यहां पे, ये नेगेटिव फोकल लेंथ होता है, नेगेटिव फोकल लेंथ होता है, तो इसके पावर ऑफ लेंस क्या होगा यहां पे, द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। तो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होगा हमारे यहां पे, ये नेगेटिव होगा यहां पे। ये क्लियर है ना हम लोग को यहां पे। तो देखो, अब अगर पी की वैल्यू गिवेन हो, यानी पी की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव गिवेन हो, जैसे अगर हम बोले कि पी इक्वल टू -2 डायोप्टर, तो अब इससे यहां से पूछा जाएगा कि बताओ ये किस टाइप का लेंसेज है, तो पी की वैल्यू क्या आ रहा है, -2 डायोप्टर आ रहा है, यानी माइनस साइन दिखा रहा है। तो माइनस किस केस में होता है, यानी पावर ऑफ लेंस हमारा नेगेटिव किस केस में होता है, यानी किस लेंस में होता है, तो हमारा कॉनकेव लेंस में होता है। तो पावर ऑफ लेंस की वैल्यू जब गिवन होगा, तो वहां से आपको लेंस पूछेगा कि किस टाइप का लेंस यहाँ पे यूज हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है। अगर पावर की वैल्यू सपोज करो कि पावर की वैल्यू हम लोग का +1.5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, +1.5। तो देखो पावर क्या रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है ना ये वैल्यू, तो ये पॉजिटिव क्या बताएगा, यानी किस टाइप ऑफ लेंस यूज किया गया यहाँ पे, ये तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया यहाँ पे। क्लियर है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा ये चीज बताता है कि ये किस टाइप ऑफ लेंस हम लोग यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये क्लियर है ना हम लोग का, चलो। अब देखो इन जैसे देखते हो ना हम लोग यहाँ पे, अभी जैसे मैंने बताया कि जब हम लोग आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं आई चेक कराने के लिए, तो देखते हो ना हम लोग का पावर जो लिखता है +2.5 या -2.5 D है ना, डायोप्टर लिखता है, तो एक्चुअल में ये इसका मतलब बताता क्या है, ये बताता है पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड, मतलब इतने पावर का लेंस आपको जरूरत पड़ेगी टू करेक्ट योर व्यूज, मतलब यानी बोल सकते हो टू करेक्ट द लेंसेज, यानी लेंस को करेक्ट करने के लिए ये चीज हमारा बताता है कि इतने पावर का हमारा लेंस चाहिए, तभी हम क्लियरली क्या देख सकते हैं हम लोग, कोई भी साइड देख सकते हैं, यानी कोई भी व्यूज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देख लो, तो बेसिकली ये पावर ऑफ लेंस बता रहा होता है कि इतने पावर का लेंस आपको आईज में बोल सकते हो कि स्पेक्टेकल्स में लगने चाहिए, तब जाकर आप क्लियरली किसी भी चीज को देख सकते हो, तो ये चीज बताता है हमारे यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे, इस बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इस बेस पे न्यूमेरिकल जो है ना काफी इजी है हमारा यहाँ पे ये। ठीक है, देखो कोई भी चीज न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग को पावर, या बोल सकते हो कि किसी भी लेंस का पावर ऑफ लेंस फाइंड आउट करने से पहले हमें उसका फोकल लेंथ फाइंड आउट होना चाहिए, और फोकल लेंथ जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, है ना, जो भी मैंने बताया अभी। तो
तो सबसे पहले आप मीटर में फाइंड आउट कर लोगे। चलो इस बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन क्या हमारे यहाँ पे है, अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई यूजेस अ uses a concave lens uses a concave lens of focal length 50 centimeter. What is the power of the lens? What is the power of the lens? क्लियर है यहाँ पे? देखो ये क्वेश्चन रहा हम लोग का, और काफी सिंपल क्वेश्चन बनता है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनता हम लोग का पावर ऑफ लेंस से। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे आप लोग, ये गलती ना हो जाए आप लोगों से इतने सिंपल क्वेश्चन में भी। देखो तो हम लोग को पावर ऑफ लेंस फाइंड आउट करना है, तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू वन अपॉन एफ, यही होता है ना, जो भी हम लोग पढ़े हैं हम लोग फॉर्मूला। देखो फोकल लेंथ जो दे रखा है 50 सेंटीमीटर, और ये किस टाइप का लेंस है हमारा यहाँ पे, देखो ये कॉनकेव लेंस दे रखा है ना, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के केस में हमारा पावर सॉरी फोकस जो होता है, यानी फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव में होता है, जो भी मैंने बताया यहाँ पे। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे पॉइंट है, अ कॉनकेव लेंस हैज अ नेगेटिव फोकल लेंथ, है ना, नेगेटिव फोकल लेंथ होता है हमारा। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, -50 सेंटीमीटर। लेकिन पावर ऑफ लेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, हमें मीटर में पता होना चाहिए, और यहाँ पे क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे, और मीटर में चेंज करने के लिए मैंने अभी बताया था ना, और लिखा भी था वहां पे, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो एक जीरो कैंसिल हो गया, और ये देखो ये जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा मेरा, तो माइनस हम लोगों का 0.5 मीटर आ गया। तो ये फोकल लेंथ कितना आ गया हम लोग का, -0.5 मीटर आ गया। लेकिन एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, पावर ऑफ लेंस निकालना है। तो अब हम पावर ऑफ लेंस क्या क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा यहाँ पे, ये देखो, तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला जो होता है ये यही होता है ना, 1/f होता है। तो P इक्वल टू 1/f, और f की वैल्यू कितना आया था हम लोग का, तो -0.5 आया था ना हम लोग का। ये पॉइंट आ रहा हो तो ऊपर 10 हो गया हमारा यहाँ पे, ये चला गया ना, और ये माइनस, यानी P इक्वल टू -10/ क्या आ गया, ये 5। अब जब कैंसिल करोगे तो ये क्या आएगा, -2 डायोप्टर। तो ये P इक्वल टू -2 डायोप्टर, देख रहे हो ना, यही हमारा पावर ऑफ लेंस आ गया, -2 डायोप्टर। और इसी बेस पे आपका क्वेश्चन होगा, और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। हो सकता है कि पावर ऑफ लेंस गिवेन हो तो आप लोग को फोकल लेंथ फाइंड आउट करना हो। अब जब फोकल लेंथ फाइंड आउट करोगे तो वो हमारा मीटर में ही आएगा। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो फिर क्या करोगे, उसको कन्वर्ट कर दोगे सेंटीमीटर में, और आप लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना जानते ही हो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो पावर ऑफ लेंस हमारा -2 डायोप्टर जो आया हुआ है, यही तो हमारा बता रहा है ना कि ये इतना हमारा क्या करेगा, डाइवर्जिंग है, और यही हमारा इतने पावर का लेंस यूज होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, आईज वो जो होगा यानी स्पेक्टेकल्स में लगेंगे, ताकि एक पर्सन जो मायोपिक आई से सफर कर रहा है वो क्लियरली वो व्यूज देख सकता है हमारे यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को। क्लियर है? ये था हमारा इस बेस पे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे। ठीक, देखो अब एक चीज और है हमारा ध्यान देना यहाँ पे, ये कि कोई भी जब हमारा थिक लेंस होता है हमारा, है ना, क्या होता है थिक लेंस, तो देखो यहाँ पे ये देखो ये कैसा लेंस है हमारा, ये थिक लेंस है। अब देखो ये कैसा हमारा ये लेंस है, ये देखो देख रहे हो ना, ये कैसा लेंस है हमारा, थिन लेंस है।
कैसा लेंस है हमारे यहाँ पे? थिन लेंस है, और ये है क्या हमारे यहाँ पे? थिक लेंस है। तो थिक लेंस के केस में हमारा फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है? शॉर्ट होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये इस चीज को ऐसे लाइन दे देते हैं, चलो यहीं पे लिखते हैं। अ थिक लेंस, अ थिक लेंस हैज शॉर्ट फोकल लेंथ। एक थिक लेंस के पास क्या होता है हमारा? शॉर्ट फोकल लेंथ होगा। तो शॉर्ट फोकल लेंथ होगा तो हमारा बोल सकते हो पावर ऑफ लेंस क्या होगा हमारा? ग्रेटर होगा ना, तो बट मोर पावर ऑफ लेंस। तो यहाँ पे पावर ऑफ लेंस क्या होगा हमारा? ज्यादा होगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे इस केस में? अब देखो इस केस में हमारा जो होगा, अ थिन लेंस, अ थिन लेंस हैज लार्ज फोकल लेंथ, हैज लार्ज फोकल लेंथ। एक थिन लेंस के पास क्या होता है? फोकल लेंथ जो होता है वो लार्ज होगा। जब फोकल लेंथ लार्ज होगा तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा हमारा? स्मॉल होगा, यानी लेस होगा। तो देखो थिन लेंस के केस में हमारा पावर ऑफ लेंस जो होता है वो स्मॉलर होता है, यानी छोटा वैल्यू दिखाता है, क्योंकि इसके फोकल लेंथ लार्जर होते हैं। और थिक लेंस के केस में हमारा शॉर्ट फोकल लेंथ होता है हमारे यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे पावर ऑफ लेंस जो होता है वो ग्रेटर होता है यहाँ पे। क्लियर है ना? इसलिए लिख सकते हो कि पी हैज मोर, पी हैज मोर पावर, है ना, यानी पावर ऑफ लेंस हैज मोर पावर लिख सकते हो यहाँ पे। क्लियर है? और इसके पास हमारा लेस होता है। तो ये था हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, जो हम लोग का पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। जब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा कि जब बहुत सारा लेंसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है ना, बहुत सारे लेंसेस क्या हमारा एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो एक कंबाइंड पावर ऑफ लेंस वहां से फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा कि उसका कंबाइंड पावर ऑफ लेंस क्या होगा। मतलब बोल सकते हो कि उसका इफेक्टिव पावर ऑफ लेंस हमारा क्या होगा, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है यहाँ पे। ये क्लियर है यहाँ पे? तो देखो इस केस में हमारा क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ अ नंबर ऑफ लेंसेज, इफ अ नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट देन द पावर ऑफ द देन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लेंसेज इज इक्वल इक्वल टू द अलजेब्रिक अलजेब्रिक सम ऑफ द पावर्स, अलजेब्रिक सम ऑफ द पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंसेस, ऑफ इंडिविजुअल लेंसेस। क्लियर यहां पे? तो इस केस में हमारा पी जो होगा वो पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस डैश डैश डैश, जितना भी हमारा कंबाइंड होगा उन सब का पावर ऑफ लेंस क्या करेंगे, जितने भी लेंस हमारे एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे उन सब का पावर क्या करेंगे हम लोग? कैलकुलेट कर लेंगे और सम कर देंगे, और सम करने के बाद जो आएगा वही हमारा एक कंबाइंड पावर ऑफ लेंस बताएगा, यानी पूरे लेंस का, यानी वही एक इफेक्टिव पावर ऑफ लेंसेज हमारा बताएगा जब बहुत सारे नंबर ऑफ लेंसेज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे। तो यही फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? ये चलो तो ये था हम लोग का। अब देखो इसी बेस पे क्वेश्चंस में आप लोग को कराता हूँ तो और इजी समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या हमारा यहाँ पे, ये टू थिन लेंसेज
थिन लेंसेस ऑफ पावर प्लस 3.5 डी एंड माइनस 2.5 डी आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट फाइंड द पावर फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन देखो ये रहा क्वेश्चन हम लोगों का। अच्छा लास्ट पॉइंट बोल रहे हो रिपीट करने के लिए। देखो लास्ट पॉइंट जो हम लोग का यहां पे है ये बोल रहा है कि इफ अ नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टेक्ट, अगर हमारा बहुत सारे लेंसेज जैसे हो सकता है कॉन्वेक्स लेंस हो, हमारा कॉन्केव लेंस भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सेम टाइप ऑफ लेंसेज हमारे कॉन्टेक्ट में होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज जैसे कॉन्वेक्स या कॉन्केव या दोनों हमारा कंबाइंड जब होगा तो एक इफेक्टिव पावर हमें क्या करना होगा कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि वो जो लेंसेज है वो सब एक दूसरे के क्या है हमारे कॉन्टेक्ट में है। यहाँ पे आ रहा बस समझ में, जब बहुत सारे लेंसेज जब कॉन्टेक्ट में होंगे तो वहां पे हम लोग एक इफेक्टिव पावर ऑफ लेंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है इफेक्टिव पावर ऑफ लेंस, क्योंकि बहुत सारे लेंसेज एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में होते हैं, अगर इंडिविजुअली लेंस अगर अलग हो तो हम लोग इंडिविजुअली क्या करते हैं पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब उनका पावर एक इफेक्टिव यानी बोल सकते हो कि एक कंबाइंड पावर ऑफ लेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एक अल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज यानी जो भी लेंसेज कॉन्टेक्ट में उनका पावर कैलकुलेट कर लेंगे। यानी सपोज करो कि हमारे थ्री लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट, तीन लेंसेज को प्लेस किया गया है एक दूसरे के साथ यानी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखा गया, तो वहां पे हम फर्स्ट लेंस का P1 कैलकुलेट कर लेंगे, सेकेंड लेंस का पावर कैलकुलेट कर लेंगे, थर्ड लेंस का पावर कैलकुलेट कर लेंगे और हम सबका क्या करेंगे सम कर देंगे यहाँ पे, और सम करने के बाद जो आएगा वही एक कंबाइंड पावर ऑफ लेंस आएगा यानी वही एक अल्जेब्रिक सम दिखाएगा हमारे यहाँ पे। क्लियर है ना? देखो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा जो ये क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे कि टू थिन लेंसेज ऑफ पावर, जिसका दो थिन लेंसेज है, जिसका एक का पावर दे रखा है माइनस 3.5 डी दे रखा है देख रहे हो ना, और एक का लेंसेज का माइनस 2.5 डी दे रखा है जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है हमारा वैल्यू यहाँ पे। क्लियर है ना यहाँ पे? अब देखो आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, देखो क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि एक दूसरे के साथ रखा गया, तो फाइंड द पावर हमें पावर कैलकुलेट करना है एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन, और हम लोग को फोकल लेंथ भी फाइंड आउट करना है। किस केस में यानी कब फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, जब ओवरऑल लेंस आपस में कंबाइंड है तब का फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब बहुत सारे लेंसेज एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं ना तो वो एक पूरा एक लेंस की तरह बिहेव करना स्टार्ट करते हैं, मतलब एक पूरा एक बॉडी हो जाता है हमारा यहाँ पे और हम उसको एक लेंस की तरह ट्रीट करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, जब बहुत सारे लेंसेज हमारे एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं उस केस में। तो देखो यहाँ पे हम लोग पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करेंगे, तो ओवरऑल पावर ऑफ लेंसेज जब कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ पे P1 की वैल्यू मान लो कि प्लस 3 पॉइंट कितना हो गया हमारा 5 डी, P2 की वैल्यू जो होगा यहाँ पे ये कितना हो गया माइनस 2.5 डी, तो यहाँ पे पावर ऑफ लेंस ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो गया हमारा P1 प्लस क्या हो गया P2 हो गया, तो वैल्यू पुट करो 3.5 प्लस माइनस क्या होगा हमारा माइनस ही होगा हमारा। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, देखो प्लस माइनस माइनस और 3.5 में से 2.5 जाएगा तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे प्लस में ही आ रहा है ना, यानी प्लस 1.0 कितना आ रहा है हम लोग का प्लस 1.0 डी आ रहा है देख लो ना। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये हमारा जो पावर ऑफ कंबाइंड लेंस जो आया है ये प्लस 1.0 ये सबसे ज्यादा किसका इफेक्टिव दिखा रहा है, यानी किस लेंस का इफेक्टिव ज्यादा दिखा रहा है। तो देखो यहाँ पे ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद हमारा वैल्यू क्या आया प्लस में आया हुआ है ना, तो प्लस किस केस में होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस के केस में ही होता है ना, तो कंबाइंड करने के बाद
ये इफेक्टिव जो दिखा रहा है, यानी ज्यादा इफेक्टिव जो दिखा रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस का दिखा रहा है, क्योंकि ओवरऑल जब फाइनली कैलकुलेट करने के बाद हम लोग का +1.0 d आया हुआ है, तो इफेक्टिव ये ज्यादातर हमारा कॉन्वेक्स लेंस का ही हमारा दिखा रहा है यहाँ पे। क्लियर है ना? अगर ये नेगेटिव आता तो बहुत सारा लेंस कंबाइंड है, लेकिन ये ज्यादातर अपना इफेक्टिव किसका दिखा रहा है, तो कॉनकेव का दिखाता अगर नेगेटिव साइन होता तो। ठीक है, तो ये हम लोग पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट कर लिए। अब यही बोल रहा है कि फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है लेंस का जब हमारा यहाँ पे कंबाइंड है, तो उस केस में हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना। तो देखो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या था देखो, फॉर्मूला क्या था हम लोग का, तो P इक्वल टू 1/ क्या है, F, यही है ना। देखो ओवरऑल पावर ऑफ लेंस कितना आया हम लोग का, 1 आया है ना, तो 1 इक्वल टू 1/ कितना आ गया, F। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो F इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का, 1 मीटर आ गया। कितना आ गया हम लोग का यहाँ पे, ये 1 मीटर, और +1 मीटर आ गया यहाँ। क्या आ गया हम लोग का, +1 मीटर आ गया। तो देखो फोकल लेंथ जो आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो फोकल लेंथ प्लस जो होता है ये किस लेंस में होता है हमारा, तो देख रहे हो ना यहाँ पे, ये कन्वेक्स लेंस में ही तो होता है ना हमारा। यहाँ पे कौन से लेंस में होता है, कन्वेक्स लेंस में ही होता है। यहाँ पे पूछा नहीं है लेंस, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे ये कन्वेक्स लेंस हो गया हमारा यहाँ पे, ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन और फाइंड आउट करेंगे। चलिए मैं इस पे एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ घर से, जो आप लोग ट्राई करोगे घर पे बनाओगे प्रैक्टिस करोगे। देखो द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन टू लेंसेस एक्स एंड वाई इज 5 d। इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस एक्स बी 15 सेंटीमीटर, ए क्वेश्चन ए पार्ट इसमें है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस वाई, यानी कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस वाई। हमें वाई लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, बी पार्ट में हमारे यहां पे है। स्टेट द नेचर ऑफ लेंस, स्टेट द नेचर ऑफ लेंस वाई, यानी हमारा वाई लेंस का बताना है कि ये किस टाइप का लेंस है हमारा यहाँ पे। आ रहा बात समझ में ना, यानी किस टाइप का, मतलब कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। तो आप लोगों को मैं बता रखा है कि पावर ऑफ लेंस, यानी पी अगर पॉजिटिव आएगा तो कॉन्वेक्स लेंस, अगर पी अगर नेगेटिव आएगा तो हमारा ये कॉनकेव लेंस होगा। तो यहाँ से पावर कैलकुलेट कर लोगे या फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लोगे, फोकल लेंथ के आधार पर भी आप बता सकते हो यहाँ पे, ये क्लियर है ना। तो ये आप लोग का होमवर्क में रहा, और यही हमारा लास्ट टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। और इस तरीके से आप लोग का पूरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में हम लोग का? तो नेक्स्ट क्लास में मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, कोई नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए जितना भी हम लोग पढ़े हैं आप लोग पढ़ोगे, ट्राई करोगे, सेल्फ एनालाइज करोगे, जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और मैं उस चीज को डिस्कस करता रहूंगा। क्लियर है? तो चलिए मेरी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो सैटरडे को होगी, और साइंस की क्लास जो होती है क्लास 10th की, वो 4 to 5 होती है, और क्लास 9th की साइंस की क्लास जो होता है वो 3 to 4 होता है। ओके, थैंक यू।